अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अकाउंटिंग के फर्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। आइए हम लोग पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को डेफिनेशन यहाँ पे कुछ नहीं बताता, और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विल टेल यू द एग्जिट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। फिलहाल आप लोग यही नोट कर लीजिए कि अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो रिकॉर्डिंग होती है उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ने में बहुत ही हमें एक तरीके से जल्दी समझ भी आएगा और आसानी के साथ हम लोगों को याद भी होगा। देखते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी और कैसे? फ्रेंड्स, एक इवेंट होता है, इवेंट का मतलब समथिंग ऑकर्स, कुछ होना, कुछ होना इज एन इवेंट, और उसको होने को हम लोग एक तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या? या ट्रांजेक्शन, लेन देन, जो लेन देन होती है हमारी, या कोई इवेंट होता है उसकी क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन हर इवेंट को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ उस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारा इकोनॉमिकल इवेंट होता है, उसकी लेन देन हम लोगों को, जो कि जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब इकोनॉमिकल इवेंट क्या होता है और कौन सा होता है? विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, फिजिकल पेपर, कैश जो होता है हमारे पास, पैसे होते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी जो पैसे होते हैं वो कैसे होते हैं, फिजिकल पेपर, या फिजिकल पेपर या वैल्यू ऑफ मनी, या कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हो किसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी में हो। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इकोनॉमिकल इवेंट हैं। अब जो इवेंट वो ट्रांजेक्शन जिसकी इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में जिसको हम लोग मेजर कर सकेंगे, सिर्फ उसी की हम लोग क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, वही हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? एक इवेंट। कौन सा इवेंट? इकोनॉमिकल इवेंट, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी, जिसकी हम लोग फिजिकल पेपर में, या वैल्यू ऑफ मनी, या जिसकी हम लोग वर्थ कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका तो सीधा एग्जांपल है कि हमारे पास जो कैश, जो मनी होते हैं पेपर वाले 1000, और इस तरीके से जो हमारे पास मनी होता है उसको हम लोग फिजिकल पेपर कहते हैं। दूसरा, वैल्यू ऑफ मनी, लाइक हमारे पास कैश तो नहीं है, हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास बाइक है, और एक बाइक की एक वर्थ होती है, जस्ट लाइक एक बाइक 50,000 रुपीज़ की होती है, एक बाइक 60,000 रुपीज़ की होती है, और ये इसका क्या है, ये इसका वैल्यू है जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी। चलते हैं स्टेप नंबर टू। जैसे ही हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप हमारा होता है इसको रिकॉर्डिंग। कहाँ पे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और फिर उसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी, जिसको हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेप होता है वो होता है इसको क्लासिफाई करना, समराइज उसको करना, और उसकी प्रेजेंटेशन करना। सबसे पहले रिकॉर्डिंग लव्स की यहाँ पे हम लोग
देखते हैं कि क्या होता है। रिकॉर्डिंग मीन्स इंदराज करना, इसको हम लोग जर्नल जर्नल भी कहते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है? जर्नल, और इसको हम लोग जनरल जर्नल भी कहते हैं। जो सेकेंड ईयर हमारा वो होता है क्लासिफिकेशन, मीन्स कि इस रिकॉर्डिंग को हम लोग एक तरतीब देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल लेजर। क्लासिफिकेशन को हम लोग जनरल लेजर कहते हैं, रिकॉर्डिंग को हम लोग जनरल जर्नल में करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग, और इसका क्लास जनरल लेजर में बनाया जाता है। नंबर जो थर्ड है हमारा वो है समराइजिंग, मीन्स के उसका खुलासा बनाते हैं। पहला स्टेप हमारा लेजर है, जनरल है। सेकंड हमारा स्टेप है जनरल लेजर, और जो हमारा तीसरा स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में हमारे साथ एक पूरी एक जो उसकी तस्वीर है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। समराइजिंग मीन्स के उसका खुलासा बनाना, सबसे पहले इंदराज करते हैं, उसके बाद उसको तरतीब देते हैं, और फिर उसके बाद उसका खुलासा बनाते हैं, जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। एंड जो हमारा फाइनल स्टेप होता है वो होता है इसको प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन इसकी होती है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। स्टेप हमारा फर्स्ट क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना। जैसे ही हम लोगों ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर दिया, अब उसको क्या करेंगे? उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं। अब जो थर्ड स्टेप होता है उसको हम लोग सबसे पहले रिकॉर्डिंग उसकी करते हैं, जिसको वो हम लोग इंदराज करना। अब वो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? जनरल जर्नल में। उसका जो सेकेंड होता है स्टेप वो होता है तरतीब देना, उसके क्लास बनाना, जहाँ पे हम लोग क्लास बनाते हैं उसको हम लोग जनरल लेजर कहते हैं। जो हमारा तीसरा स्टेप होता है वो होता है जनरल लेजर को समराइज करना, मींस के उसका खुलासा बनाना, सो इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है उसको प्रेजेंट करना, जितनी भी हम लोगों ने जिसका खुलासा बनाया है उसको हम लोग क्या करते हैं? उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको पेश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए क्या हुई। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हम लोगों ने जो तीन स्टेप्स पढ़े इसको मैं एक तरीके से फिर समराइज करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं। और जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, उस थर्ड स्टेप में सबसे पहले हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसको हम लोग इंदराज करना, जिसको हम लोग जर्नल में हम लोग उसको इंदराज करते हैं। नंबर सेकंड क्लासिफाइड, जर्नल के बाद हम लोग उसका क्लास बनाते हैं, जिसको हम लोग जनरल लेजर कहते हैं। नंबर जनरल लेजर के बाद उसका हम लोग खुलासा बनाते हैं, समराइज उसको करते हैं, जिसका क्या नाम होता है? ट्रायल बैलेंस। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग पेश करना भी कहते हैं, और ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अभी तक इतना ही, इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद कुछ पढ़ेंगे।